नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, आज जो दिन है मंगलवार का है, और आज फिर से मतलब पूरी रात होगी, तबीयत ठीक नहीं है कृष्णा की, तो फिर जाना है डॉक्टर के पास। ऐसे ही हो रहा है, मतलब इंदु से तो बात भी नहीं हो पा रही, ऐसी टेंशन सी में है वो। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप भी एक हमारी फैमिली का हिस्सा हो, और आपके कमेंट पढ़ के थोड़ा हौसला मिलता है। तो जाना है फिर से कृष्णा को लेने। सबसे पहले तो बच्चों को उधर छोड़ देंगे, और रात रूही को बुखार चढ़ा है। तुझे तो नहीं चढ़ा रहा? ना, मेरे को चढ़ने वाला था, पर थोड़ा ही था। दवाई तीनों की कंटिन्यू दे रहे हैं कि भाई नहीं कोई दिक्कत ना हो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या ऐसा हो रहा है। देखते हैं, भगवान सब कुछ ठीक करेगा ऊपर वाला, और आप लोगों की दुआएं जो हैं वो हमेशा ऐसी बनी रही। उनका भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, और आज वैसे ही मन थोड़ा दुखी भी है। खैर कोई बात नहीं है, चलेगा, क्या कर सकते हैं। जो ऊपर वाले ने जितनी देर का दुख दर्द दिया हुआ वो तो झेल रही है। कृष्णा, तो सबसे पहले तो मैं पीयू को और रूही को छोड़ने जाऊँगा उधर घर पर भाई साहब के पास, और फिर ये कृष्णा की हालत देख लो कैसी हो। ये भाई साहब नहीं है, अब इसका पता नहीं चल रहा है, वैसे ये बहुत ज्यादा बोल रहा है, इसकी आंखों से पता लग रहा है। अभी इसको बुखार है ना, आप भी जाओगे? ठीक है ठीक है, तो बच्चा है जहाँ तक इतना पता नहीं लगता, बड़े तो खाओ खा जाओ, अभी गर्म हो रहा है। चलो है ना, चले ठीक है जी, तो चलते हैं बस, फिर मिलेंगे थोड़ी देर तक आपको साथ में। चले, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जी, सुबह के बजने वाले हैं 8, और अब से 5 मिनट पहले प्यूर हुई चली गई हैं स्कूल, और आज बच्चे छोड़ गए अपने डैडी को घर, दोनों बच्चे निकल लिया, प्यू के डैडी रह गए यहीं पे। और मैं सोच रहा हूँ मैं चलूंगा 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 चलूंगा, मुझे भी नहीं पता लगा, मैं दीदी को पूछ लगी, मैं स्कूल यहाँ पे कंगा में दे, मैं कहा स्कूल कब तक ओपन है कृष्णा के, अब मैंने तो देखा, मैं तो दोनों जा रही बैठ कर नहीं आगे साथ, मैंने कहा भी, मैं कहा तेरी डैडी भी जाओगे, वो तो निकल ली रात, बाइक नहीं थी ना तो कन्हैया बाइक लेकर आया, फटाफट मारो आ जाएंगे। और अब बस मैं आई है, कृष्णा भी लेटा हुआ, और कृष्णा की तबीयत, उसको सुबह भी 5 बजे करीब मैंने दवाई दी, रात 10 बजे एक लेटाया था, बुखार हो रहा था रात भी, और सुबह ही फिर से बुखार था, मतलब बुखार भी एकदम से इतना हो गया कि तप जा बिल्कुल, बुखार नहीं टूट रहा, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही। जबकि टेस्ट जब कल करवाए थे, हॉस्पिटल गए थे, तो टेस्ट इसके नॉर्मल आए, इन्फेक्शन वगैरह सब खत्म है, पर बुखार का नहीं समझ में आ रहा, मतलब दवाई का असर रहे तब तक तो उतरा रहे है, पर दवाई 4 घंटे बाद इसे दवाई देनी है, और जो 3 दिन में नई सेटिंग बैठती फिर डॉक्टर कह रहा कि फिर दोबारा ले जाओ। तीन दो दिन तो हो ही लिए ऐसा बुखार चढ़े हुए, परसों से चढ़ रहा है इसका बुखार, आज तीसरा दिन है। कल गए थे तो कल उन्होंने बोला 3 दिन देखो, पूरी दवाई दे दी, कह रहा कंटिन्यू दवाई नहीं, अब दवाई भी नहीं, मैं तो छोड़ रही हूँ बेचारा, मेरा बच्चा ले ले दवाई भी नहीं करता, की वजह से बच्चे कर रहे हैं ना कि दवाई नहीं लेनी नो भी नहीं करता, अभी तो सो रहा पड़ा, मगर चल मैं छेड़ती नहीं, मगर सुबह 5 बजे से पहले वो कुरन कर रहा था, और उसका हाथ लगा मैंने ऐसा हो रहा है बिल्कुल जैसा तपा रहा है, कल डॉक्टर वहां ही पूछ रहा था, एक को उन्हें यूँ नहीं पता लगा कि कितना है बुखार, वो कह रही थी कि बच्चा बहुत गर्म हो रहा, ये पूछ रहा डॉक्टर कि कितना गर्म था, ऐसा था क्या जैसे दूध गर्म होता है, वो कह रही नू यूँ नहीं मुझे पता जी दूध गर्म हो या कैसा गर्म हो, पर बच्चा बहुत गर्म हो रहा था, नहीं पता होता, हाँ पता नहीं लगता। आप दिया लगा दो जी, नहा लिए, मैं नाश्ता लगा दूँ इतना आपके लिए, नहीं तो पहले मैं भी नहा लूँ फिर। चलो जी, यहाँ पे मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए, और नाश्ता बन गया है, किचन की अभी मतलब फैला पड़ा, साफ सफाई मैंने कुछ नहीं करी घर में, पहले मैं इन्हें नाश्ता दूंगी, ये जाएंगे, उसके बाद मैं नहाऊंगी दूंगी, नहीं उसके बाद मैं सफाई करूंगी, उसके बाद मैं फिर नहाऊंगी दूंगी। तो जी चलिए फिर शुरू करते हैं, वीडियो में लास्ट तक जरूर बनी रही है, अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। तो जी चलिए फिर लगते हैं काम पे। तो जी देखिए, यहाँ पे लग गई हूँ मैं अपने काम पे, सबसे पहले किचन में ही कर रही हूँ मैं, और उसके बाद जो है बाकी के काम करूँगी।
तो पीयू के डैडी नाश्ता वगैरह करके चले गए हैं और उनके जाने के बाद ही मैंने अपने काम शुरू किए हैं। कृष्णा अभी सो ही रहा था तो उसको मैंने नहीं उठाया। मैं कहा चलिए सोया रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है, उठेगा तो फिर वही है कि थोड़ी सी तबीयत उसकी बहुत ख़राब है। मैं सही में बताऊँ जी, दो दिन हो लिए, आज तीसरा दिन है उसका बुखार नहीं टूट रहा। मतलब दवाई देते हैं तो उसका बुखार कम हो जाता है और दवाई का असर ख़त्म होते ही फिर से उसको बुखार चढ़ना शुरू हो जाता है। और इसी वजह से कल उसको डॉक्टर के लेके गए थे, उसके टेस्ट वगैरह दोबारा करवाए। मैंने कहा चलो पता लग जाएगा किस वजह से हो रहा, इन्फेक्शन नहीं है कुछ नहीं है, पर समझ में नहीं आ रहा कि क्यों तो बुखार नहीं उतर रहा, क्या दिक्कत हो रही क्या नहीं। और कमज़ोर इतना होता जा रहा, इतना निढाल होता जा रहा कि जिसकी कुछ बस क्या ही बताऊँ मैं। पर क्या करें जी, सुख दुख है, सुख दुख साथ में है जीवन में, लेकिन काम अपने हैं जो करने, वो भी बहुत ज़रूरी है। खाना पीना भी ज़रूरी है, बनाना भी ज़रूरी है, नहाना धोना भी ज़रूरी है, और जो भी अपनी रोजी रोटी के काम है वो भी बहुत ज़रूरी है करने। और सुख में तो चाहे एक बार को छोड़ भी दे, लेकिन दुख में तो सारे ही काम और भी ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों पर भी ध्यान देना है तो कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी इधर से निपटा लूँ उधर से निपटा लूँ। और आज तो खैर प्योर हुई की तबीयत ठीक थी, पर कृष्णा की ख़राब थी। लेकिन कल जो है ईद वाले दिन, तो तीनों ही बहन भाइयों की तबीयत मतलब ज़्यादा तो थी नहीं, उससे एक दिन पहले तीनों की ज़्यादा हो रही थी। तो कल के टाइम प्योर हुई की तबीयत थोड़ी ठीक थी, लेकिन कृष्णा को तो हॉस्पिटल ही लेके जाना पड़ा। और इसी वजह से जो है, मैं सही में बताऊँ, कल मुझे आप लोगों को ईद भी विश करना ध्यान नहीं रहा, क्योंकि मतलब माइंड इतना डिस्टर्ब हो रहा था। कल हमने ना बनाया ना खाया किसी ने भी, खाना भी हमारा उधर आंसू ने बना रखा था, क्योंकि हम सब इतने डिस्टर्ब हो रखे थे ना, दोनों बहनें, मैं, इसके डैडी, कृष्णा के करके। और देखिए होता भी है कि घर में मतलब किसी एक की तबीयत खराब हो जाए तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। और कृष्णा को लेके तो हम सारे कितने मतलब परेशान हो जाते हैं, सभी को ही पता है, छोटा है एक तो, और अभी इतना जानता नहीं बताता नहीं कुछ भी। प्यूरू ही तो ये है कि चलिए थोड़ी सी बड़ी है तो बता देती हैं कुछ दिक्कत है, लेकिन वो तो बताता ही नहीं। और बुखार इतना तेज उसको चढ़ता है, बहुत ही ज़्यादा, एकदम से गर्म हो जा बिल्कुल, मतलब उसके पास नहीं, हाथ नहीं लगता उसके साथ बिल्कुल भी, इतना वो गर्म हो जा। तो जी चलिए क्या करें, सुख दुख भले ही हो लेकिन अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैंने किचन जो है वो साफ़ कर दिया, डब्बे वगैरह भी साफ़ कर दिए हैं मैंने। मैं आपको पता ही है कि मैं हफ्ते 10 दिन में करती हूँ उनको साफ़। उसके बाद मैं आई हूँ बाहर की तरफ साफ सफाई करने के लिए। सोफ़े के कवर जो है धोए थे, तो सोफ़े में साइड में हटा के उनके नीचे झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि उनके नीचे गंदा हो जाता है और आपने देखा भी कितना निकला है कूड़ा। तो उसके बाद ही मैं यहाँ पे वो कवर चढ़ाऊंगी। और वैसे तो कर लेती है सुनीता भी, पर मैं कह चलिए मैं अभी कवर बिछाई रही हूँ, मुझे सोफ़े थोड़े आगे करने ही है तो मैं कर लेती हूँ। बस देखिए जी सोफ़े भी मैं सेट कर दूंगी और उसके बाद बाहर में थोड़ी सी साफ़ सफाई और करूँगी, जो पीछे शोकेस वगैरह है, कंप्यूटर है, सब कुछ सारी साफ़ सफाई करूँगी मैं बाहर की अभी। साफ़ सफाई मैंने कर दिया है और ये कंप्यूटर टेबल को मैं कवर कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो फ़िलहाल मैं काम करती हूँ मैं लैपटॉप पे ही करती हूँ और इसी वजह से जो है कंप्यूटर में धूल ही भर रही, तो इसीलिए मैंने इस टेबल को ही पूरा कवर कर दिया। और इसके अंदर तार भी हैं, मतलब काफ़ी सारे, आपको पता ही है कि कंप्यूटर के साथ कितने सारे वायर जुड़े होते हैं, तो उस वजह से बस मैंने इसको ढक के ही रख दिया। मैंने कहा जब जरूरत पड़ेगी तो खोल लेंगे। तो बाहर की साफ़ सफाई करके मैं आई हूँ अंदर कमरे में और कृष्णा अभी सो ही रहा था और इसको पता नहीं कहाँ से तो उसको सूंग आ जाती है। जहाँ मैं इसके आसपास आई ना ये एकदम उठ जाता है। रात को भी जब तक मैं इसके पास रहूँगी, सोई रहूँगी, लेटी रहूँगी, तो ये चैन से नहीं सोता। और जहाँ सुबह को मैं उठी आराम से उठ सोया रहता है, फिर नहीं इसको ना दूध चाहिए होता ना पानी, कुछ नहीं चाहिए होता। तो जी यहाँ पे मैंने बेड की साफ़ सफाई कर दिया, बेड पे एक कपड़ा मार दिया है और कृष्णा को लेटा दिया है थोड़ी देर, और मैं लेटा रहेगा तब तक मैं और काम कर लूँगी। तो मैं आई हूँ अब दूसरे कमरे में यहाँ पे, तो इस कमरे की मुझे बेडशीट बदल ली है, क्योंकि ये लाइट कलर की बेडशीट है और बहुत जल्दी गंदी हो जाती है।
मतलब बच्चे अगर एक दो बार भी नंगे पैर इस पे चढ़ जाए ना तो उसी के निशान दिखने लगते हैं। और ये जो वाली जो ये मैं बेडशीट बिछा रही हूँ ना, ये कम से कम 4-5 साल पुरानी बेडशीट है और अब तक इसका ना कलर गया ना कुछ हुआ, कपड़ा भी खराब नहीं हुआ और ना कलर गया। तो कई चीजें बहुत अच्छी मिल जाती है। उसके बाद जी देखिए यहाँ पे मैं दूसरे रूम की भी साफ सफाई कर दूंगी, इसकी तो मुझे ज्यादा नहीं करनी थी क्योंकि उठते बैठता नहीं कोई। उसके बाद सुनीता आ गई थी, उसने अपना किचन का काम निपटाया, झाड़ू वगैरह लगाई, फिलहाल वो लगा रही है पोछा और मैं कर रही हूँ वॉश बेसिन साफ। और वॉश बेसिन साफ करके मैं टॉयलेट वगैरह साफ करूंगी और उसके बाद मैं नहाऊंगी। जी मैं आ गई हूँ नहा धो के, और ये देखिए कृष्णा उठ गया था, ये थोड़ी देर रोल लेट गया था तो अभी ये उठ गया है। और जब ये उठा इसको फिर से बुखार था और सुबह को मैंने 5:30 बजे के करीब इसको दवाई दी थी बुखार की। और उसके बाद अब मतलब 9:30-10 बज रहे होंगे जब इसे उठाए दोबारा और इसको फिर से बुखार है। और सच में मन ना बहुत परेशान हो जाता है जब बच्चों को कुछ होता है ना, दुखी इतना हो जाता है, ऐसा लगता है कि भगवान बस बच्चों को कुछ ना करे, अपने आप चाहे इससे ज़्यादा दिक्कत हो जा, पर क्या करें जी, वही बस मेरी तो वह एक ही प्रार्थना है, भगवान जितने दुख तकलीफ है हमें दे दे पर बच्चों को सही कर दे, क्योंकि बच्चों का दुख नहीं देखा जाता। बस सच में मन बहुत परेशान है कृष्णा की तरफ से, इसको अभी भी बुखार है पर क्या करूं जी, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। तो यहाँ पे मैं कृष्णा के लिए लेके आई थी जूस, मैं कहा पी लेगा इसको, तो पहले तो इन्हें अनुकर करने लगा बहुत ही, कहने के बाद इसको जूस दिया क्योंकि इसको फिर दवाई भी देनी थी तो खाली पेट दवाई भी नहीं दे सकती थी इसको मैं। बुला जाओ दद्दी। तो जी टाइम बज गए हैं 10 और कृष्णा का बुखार है, दवाई दूंगी अभी, इसने थोड़ा सा जूस पिया और आज आ रही है झमाझम बारिश। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और बारिश की तो सख्त ज़रूरत हो रही थी इस टाइम पर। नीचे नहीं उतरना, भीग जाओगे आप। और गर्मी ने बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा था। अब ये देखो आज ऐसा तो ऐसे मौसम में पकौड़े सकोड़े बनने चाहिए लेकिन बच्चों की तबीयत नहीं ठीक है इसलिए नहीं बना रही। कतोरी खाए थे हैं? अरे खानी थी अब जो खा मतलब बुखार में भी तो किन्ने छाले ओले। तो जी नहीं बेटा नहीं 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 बारिश में भीग जाएगा, अब जितना आराम मिला सारा हो जाएगा, अंदर ही खड़ा होगा, बाहर नहीं जाना, यहीं से ही देख ले बस, जाली में से खड़ा होगा वहाँ नहीं जाना। कवर। तो जी मैं बनाऊंगी पहले चाय थोड़ी सी, आज तो बने अभी चाय क्योंकि बारिश होते ही बादल देख लो कितना गरज रहा। और बाकी मेरी गर्मी जो है बहुत ज्यादा हो रही थी लेकिन अब जाए एक बरसात ही बहुत मौसम सा बदल देगी। चाय पिएगा बेबी? पीनी है थोड़ी सी, बहुत ही निढाल सा हो रहा। चलो जी नहीं पीता, मैं अपने लिए बना लूँ चाय और उसके बाद देखती हूँ खाने पीने में क्या बनाना क्या नहीं। सब्जी भी कुछ नहीं है, आलू ही है या दाल है, देखती हूँ क्या बनाना पूछ कर उन्हें। तो जी चलिए बस फिर चाय बना लूँ पहले। तो जी देखिए कृष्णा अपना बैठा है, थोड़ा सा ये लारे लग रहा है, जूस पी रहा और अपना फ़ोन देख रहा थोड़ा सा, और तब तक जो है मैं चाय बना लूँगी। और सच में अब ना खाने पीने का भी मन बिल्कुल नहीं करता, पर क्या करें जी, खड़े होने के लिए खाना ज़रूरी है, नहीं तो किसी का मन नहीं होता अब कुछ खाने पीने का। कई बार ऐसा होता है कि मैं रात को खाना भी बना देती हूँ पर कोई नहीं खाता, जू का तू रखा रह जा, सुबह डालना ही पड़ता है। दोपहर को भी कई बार ऐसा होता है कि भाई खाना मतलब मजबूरी हो जाए कि चलिए एक टाइम तो खाना ही खाना पड़ेगा, नहीं तो मन नहीं होता बिल्कुल भी। अब यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ और उसके साथ साथ जो और काम है मैं वो भी करती रहूँगी, ये किचन की साफ़ सफाई सी साफ़ सफाई क्या, सुनीता आई थी बर्तन वगैरह साफ़ करके गई थी, काम निपटा के गई थी। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए बस मैं जो है सिंक से सॉरी बास्केट से बर्तन निकाल के रख दूँगी और जो मसालदानी है वो साफ़ की थी तो उससे उसके भी कंटेनर मैंने उसी में डाल के रख दिए हैं। तो जब भी मैं चाय वगैरह बनाती हूँ या कुछ करती हूँ तो खड़ा तो वहाँ होना ही होता है, तो मेरी कोशिश रहती है कि जब तक खड़ी हूँ तो कुछ ना कुछ काम ही हो जाए। तो जी देखिए चाय बन गया, कृष्णा अपना लारे लग रहा था तो मैं थोड़ी सी मैं कहा चलिए चाय पी लेती हूँ, नाश्ता तो मैंने किया नहीं था मैं सही में बताऊँ ना, मेरा मन हुआ पर मैं कहा चलो चाय पी लेती हूँ मैं। तो उसके साथ ही मैं नमकीन सी लेके आई थी थोड़ी सी, मैं कहा चलिए खा लेंगे,
तो उसके बाद मैं अब जो है कृष्णा को दूंगी दवाई। और कृष्णा को बुखार जो है बहुत हो रहा था और खांसी भी इसको इतनी हो रही है कि खांसते खांसते मतलब इसको ना सांस नहीं आता, इतनी इसको खांसी हो रही है और कई बार तो इसको उल्टी लग जाती है। तो यहाँ पे मैंने इसको दवाई दे दी। नैला मैं इसको अभी नहीं रही हूँ क्योंकि आपने देखा भी है कि मौसम भी बाहर बरसात का है, ठंड सी हो रही है और इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, फीवर इसको बार बार आ रहा। तो मैं इसको नहलाऊंगी नहीं, हाथ मुँह धो के मैं बस इसके कपड़े चेंज करूँगी। और अब ना ये ज़्यादातर कृष्णा बेड पे ही बैठा रहता है, नहीं तो बहुत कम ऐसा होता था कि कृष्णा एक जगह बैठा रहता था, पर आजकल ये बेचारा बेड पे बैठा रहता है। जहाँ इसको बिठा देती हूँ मैं, ये ज़्यादातर वहीं पे ही बैठा रहता है। थोड़ा सा इसको आराम लगता है तो खेल लेता है, नहीं तो वहीं रहता है एक जगह ही। तो जी देखिए मेरा लड्डू हो गया है तैयार, बच्चे जा रहे थे स्कूल में प्यूरू ही, और बस उनका ये है कि उनको दवाई वगैरह दे के भेज देती हूँ तो वो अभी थोड़ी ठीक हैं दोनों बहनें। तो जी देखिए कृष्णा हो गया है हमारा रेडी और बस ये थोड़ा सा खेलेगा कूदेगा क्या करेगा, बैठा ही है फिलहाल तो। और बस मेरा भी काम निपट गया था सुबह का सारा, तो इसके बाद बस थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी, कृष्णा को ले कर बैठूँगी और उसके बाद भी दोपहर का खाना बनाऊँगी। तो जी बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो इन्जॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो प्लीज़ प्रे ज़रूर कीजिए कि कृष्णा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे।